बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान और टीम लीडर राजम खान तनोली खिदमत हाज़िर है। हम इस टाइम मौजूद हैं विलेज कौंसल गंदफ के चेयरमैन जमील और रहमान साहब के साथ, इलाकाई मसाइल पे गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिना तकदीर के आप कौन सी पार्टी से तलक रखते हैं? मेरा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और मेरा शुरू दिन से, जिस दिन से मैंने वॉइस संभाला है जी, मेरा खान बरादरान के साथ जो है ना मेरा जलवा है और वो जिस जमात में भी हुए हैं हम उनके साथ रहे हैं और आज दिन तक जो है ना हमारे कहने के ऊपर उन्होंने हमारे इलाके में तरक्याती काम भी किए हैं और हमें बहुत खुशी है उनके जलवे में रहते हुए। क्या वजह है आप पीटीआई की पार्टी से ताल्लुक है? पीटीआई से ताल्लुक इसलिए जी के मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे खान बरादरान जो है ना, जब उन्होंने 2011 साल में शमूलियत अख्तियार की तो उसी दिन हमने भी उनके साथ जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और हमें इस बात की भी खुशी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, चेयरमैन हैं, वो एक दयानतदार इंसान हैं और उनकी पाकिस्तान के अवाम के लिए जो खिदमात हैं, सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने जब क्रिकेट में 1992 में वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद उन्होंने जो है ना समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल जो लाहौर में कायम की, ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका था कि किसी लीडर ने, किसी शख्स ने पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए और आम पाकिस्तानियों के लिए इस तरह का इदारा कायम किया। उसके बाद नेहरू यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई तो इस तरह जो अभी मौजूदा सियासतदान है पाकिस्तान के, उन्होंने अवाम के लिए आज दिन तक कोई काम भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए काम किया। आप बताइएगा थोड़ा सा कि जेबें जो भरने वाले हैं, थोड़ा सा टिप्स दें। देखो जी, जेबें भरने के लिए इस तरह है कि हम शुरू में जो है ना, जब तहरीक इंसाफ से पहले हमारा ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी रहा है और मैं ज़ाती तौर पर जो है ना, मुझे ये प्राइम मिनिस्टर, सबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से भी मिलने का मौका मिला और उन्होंने, उनके साथ हम काफ़ी अच्छा चले, लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने अपने दौर में ये जो मोटरवे बनाई हैं उनमें जो उन्होंने करप्शन के पैसे से उन्होंने इंग्लैंड में जो है ना वहाँ जो माल खरीदे हैं और जिसकी वजह से वो नायब भी हुए हैं, हालांकि वो जब उनके खिलाफ नैब में ये केस चल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारा पाकिस्तान में, इंग्लैंड में क्या कि पाकिस्तान में हमारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वहाँ जो है वो ये बात साबित हुई कि जिन मालों में आज वो इंग्लैंड में रह रहे हैं तो वो हमारे पाकिस्तान से जो करप्शन का जो पैसा था उस पैसे की वजह से उन्होंने वहाँ माल खरीदे हैं और जिसका जो सामने आम आवाम को, आम आदमी को भी पता है कि ये पैसा जो है ना वो कहाँ से आया, उसका उन्होंने आज दिन तक कोई जो है ना इदारों को या सुप्रीम कोर्ट को या नैब को कोई वो सबूत नहीं दे सके कि ये पैसा उन्होंने कहाँ से लेके वहाँ गए हैं। आप कह सकते हैं अब वापस आने की भी खबरें गर्दश कर रही हैं, कह सकते हैं कि आकर जब आएंगे यहाँ पर तो उनको वोटें जो हैं पहले की निस्बत ज़्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी? देखो जी, वोटें तो गरीब आदमी जो है ना, जो हाल इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, वो चेरी ब्लॉसम ने जो गरीब आवाम की जो हालत कर दी है ना जी, तो मैं कहता हूँ वोटें देना तो उनको हक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जो है ना हमारी पाकिस्तानी आवाम है ये इस तरह होता है कि वोट देने का हमारा कोई मेरिट या तरीकाकार तो नहीं है। इस तरह होता है कि गाँव में अगर दो ग्रुप हैं तो वहाँ जो जो एक ग्रुप एक तरफ जाता है तो दूसरा उसके मुहाफत में चला जाता है, ये नहीं देखते हैं कि जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं आया वो हमारे लिए बेहतर है या वो, वोट तो उनको मिलेंगे लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि 80% लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। बिला तखीर आपकी वीसी की तरफ आते हैं, आप ये बताइएगा कि आपकी वीसी के अहम मसाइल कौन से हैं जो अभी तक हल नहीं हुए? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब से पहले अकबर अयूब खान साहब का, उमर अयूब खान साहब का, यूसुफ अयूब खान साहब का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल से मेरी वीसी में गुज़श्ता 4 साल में करोड़ों रुपए के काम हुए और सबसे पहला काम जो है अकबर अयूब खान ने, यूसुफ अयूब खान ने मेरे गांव खैरी का जो रोड 5 करोड़ रुपए का सबसे पहली स्कीम जो है 2018 के इलेक्शन के बाद इफ्तिताह जो है मेरे गांव का उन्होंने किया है और एक मरकजी मिनिस्टर और सूबाई मिनिस्टर दोनों जाके वो मेरे उस मनसूबे का इफ्तिताह किया है। 75 साल तारीख में एक मिसाल है और मुझे इस बात पर फख्र है कि जिन लोगों के साथ हम चल रहे हैं, जिनके जनबे में हैं, तो वो हमारे इलाके की कदर कर रहे हैं और 2018 से पहले हमारा हल्का जो है वो गाजी के साथ था
तो 2018 में यूसुफ अयूब खान के तावन से जो है ना हमारा हल्का जो है, हमारी तीन यूनिट्स हैं बीड, लदरमांग और क्लेंजर, जब हरिपुर शहर के साथ मिली हैं, तो उसके बाद जो है ना हमारे इलाके में अरबों रुपए के काम हुए हैं। और मैं तो अपनी वीसी नहीं, मैं उसके अलावा मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पूरी 5 VC जो है हमारी यूनिट्स और क्लेंजर की, सबके लिए मैं काम करना मेरा जो है ना एक जज्बा है, मेरी ख्वाहिश है कि पूरे इलाके को जो है ना तरक्की मिले। और आज जो है अल्लाह के फजल से अरबों रुपए के काम हो रहे हैं, तो मैं आपके तवसुत से खान ब्रदरान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने कि 4 साल में जितना उन्होंने काम किया, इससे पहले 7 साल में इतने काम नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ठेकेदारों ने बहुत करप्शन की है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर की बात नहीं करूँगा, मैं अपने इलाके की यूनिकोस क्लेंजर की बात करना चाहूँगा, इसलिए कि जो चीज़ अपनी आंखों से देखी जाए और कानों से सुनी जाए तो उसकी बात करनी चाहिए, सुनी सुनाई बातों में अमल नहीं करना चाहिए। मेरे अपने गांव का जो रोड सबसे पहले जो है 2018-19 में जो है उसका अफ्तताह हुआ, तो मैंने वहाँ जो मेरा टेंडर हुआ तो मैंने अपने गाँव में जा कर लोगों को जमा करके वहाँ एक कमेटी बनाई, तमाम बरादरियों को मुश्तमिल, और उनको कहा कि यह कमेटी जो है इस बात की जिम्मेदार है कि वो ठेकेदार के काम की निगरानी करे, कल कोई आदमी ये शिकवा शिकायत ना करे कि हमारा यहाँ मटेरियल जो है वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अल्लाह के फजल से मेरे गांव का रोड बना है, उसमें हमें जो है 1% भी जो है ना किसी किस्म का कोई शकूक शुबात नहीं है, हमारा काम जो है बहुत पायदारी से हुआ और ठीक तरीके से हुआ। इसी तरह मेरी यूनिकॉन्सल के काम हो रहे हैं, तसलीबाश हो रहे हैं, और जो लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि नाकद मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो लोग जो है मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, इसलिए उनको दुख है कि उनके जो लीडर हैं उन्होंने इलाके में काम नहीं किए। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अकबर अयूब खान के जरिए से, उमर अयूब खान के जरिए से काम हो रहे हैं, और उस बात का उनको बहुत ही दुख है कि जो है ना हम अपने दौर में ये काम नहीं करवा सकते और इन लोगों ने 4 साल में इतने काम कर दिए, तो इस वजह से इसमें मैं समझता हूँ कि मुनाफ़त शामिल है, तो इतना मसाइल नहीं है, छोटी मोटी तो आपको पता है कि कमी कोताहियाँ होती हैं, लेकिन उन बातों को इतना ज़्यादा हाईलाइट करना और उस पर प्रोपेगंडा करना, मैं कहता हूँ ये बात अच्छी नहीं। विलेज कौंसिल गंदफ, इसकी तारीखी हैसियत क्या है? विलेज कौंसिल गंदफ जो है जी, इसमें मरकजी जो मुकाम है जी, इसका गंदफ है, और यहाँ जो गंदफ के मकामी तौर पे जो लोग हैं ये वो सैयद बरादरी है, जिनके वहाँ जो है ना ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक हैं वो, उसकी वजह से, और मरकजी गांव भी जो है ना हमारी वीसी का जो है ना वो गंदफ है और रोड साइड में मौजूद है, तो इसी नाम से हमारी वीसी का नाम भी रखा गया। बाकी जो है इसका ज़्यादातर ये है कि इसको गंदफ सजदे के नाम से पुकारा जाता है। सच आवाज़ टीवी की टीम ने आपसे रब्ता किया, आपकी वीसी के मसाइल जो है उजागर करने में किरदार अदा किया, आप क्या कहेंगे? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं छोटी सी बात और करूँ कि मेरी वीसी का एक गांव है कनिकोट, और जिसको जो है ना रास्ता वो भीड़ के गांव के सामने से वहाँ से गुजर कर लोग जाते हैं, तो उस गांव के लिए जो है ना इस वक्त 29 करोड़ रुपए का रोड जो है ना बन रहा है अकबर अयूब खान के फंड से। तो मैं इस आपके प्रोग्राम के हवाले से अकबर अयूब खान का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक छोटे से गाँव के लिए जहाँ जो है ना महल में 550 वार्ड भी पोल नहीं होता है, उन्होंने 29 करोड़ रुपये का मनसूबा दिया है, और मेरी इस प्रोग्राम के हवाले से मैं उनका खसूसी तौर पर गंदों में जो है ना ट्यूबवेल जो है ना वो की स्कीम जो है वो मुकम्मल होने के नज़दीक है, तकरीबन जो है ना वो 1.25 करोड़ रुपए की स्कीम है, वहाँ गंदों वीसी में बच्चों का जो है ना मिडिल स्कूल अभी तैयार हो चुका है और उसकी पॉजिटिव सेंक्शन के लिए पिशावर केस भी हुआ है। इस हवाले से भी मैं अकबर अयूब खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारा जो है ना माड़ी गाँव है, वहाँ भी तकरीबन जो है ना 1.5 करोड़ रुपये के नज़दीक जो है ना वो उसके रस्तों की गलियों के लिए अकबर अयूब खान ने फंडिंग की है, तो कुछ काम हो चुका है और कुछ जो है अभी होना बाकी है। तो मैं इस प्रोग्राम आपके प्रोग्राम के तौर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो हमारे वीसी को जो है ना इसी तरह जो है ना फंडिंग करेंगे और लोगों की जो है ना कमी। शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।